हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म। सो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ और काफ़ी डिमांडेड वीडियो है ये। काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी कि मैम एक बार सिलेबस के बारे में बता दीजिए। सो मैं आप लोगों के लिए सामने आई हूँ बेसिकली सिलेबस जो आपका पेपर वन का है उसकी डिटेल लेके। सो मेरे सामने एक वेबसाइट है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये है UGCNetOnline.in। ठीक है, UGCNetOnline.in आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान में रखें कि यही वेबसाइट है जो आपको अपडेटेड सिलेबस के बारे में बताएगी। एक और बेसिकली आपकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट भी मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रही हूँ, विच इज दिस। ठीक है, दैट इज UGC.ac.in। यहाँ पे भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन ये जो सिलेबस है ये पुराना सिलेबस है। ठीक है, इट इज नॉट द अपडेटेड वन। सो स्टूडेंट्स बी अवेयर कि आप लोग कहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर रहे हैं। आपको डाउनलोड करना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, विच इज UGCNetOnline.in। इट इज रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट कोड के हिसाब से मिलेगा। सब्जेक्ट कोड 00 है, वो है आपका पेपर वन। ओके, सो सभी सिलेबस आपको दो लैंग्वेजेस में मिलेंगे, विच इज हिंदी एंड इंग्लिश। आप ये डाउनलोड लिंक पे जाके कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको दिख रहे होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स कोड और उनके बेसिकली उनका उन सभी का रिस्पेक्टिव सिलेबस, जैसे कि कोड वन है इकोनॉमिक्स का, सिमिलरली सिक्स का हिस्ट्री है। ऐसे आप लोग जो काफी लोग लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हैं, सो आप लोगों का क्या है कोड 59 लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस। यहाँ से आप लोग जाके अपना लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का पूरा पेपर टू का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे सभी जो भी पॉसिबल यूजीसी के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं नेट के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली सब्जेक्ट्स में, सो 103 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं, वेरी कर जाता है, ठीक है, कि किस में कब एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। सो 103 सब्जेक्ट्स के बेसिकली इन्होंने पूरे डिटेल्ड सिलेबस दे रखे हैं। सो हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसकी, कोड 00 की, जो कि है आपका पेपर वन। लेट मी जस्ट टेक यू टू दी सब्जेक्ट कोड 00 पेपर वन। ठीक है, सो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में डाउनलोड करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में डाउनलोड करें। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली सिलेबस डाउनलोड होके आपको मिलेगा। ठीक है, मैंने क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, सो मैं आप लोगों को ये खोल के दिखा देती हूँ। ये पूरा डिटेल अपडेटेड सिलेबस है। ठीक है, सो देखिएगा आप लोगों को इसमें दिख जाएगा कि यार ये सिलेबस है। ओके, इसमें वही टोटल 10 यूनिट हैं। पहली यूनिट है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे आते हैं। लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, मेथड्स कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे आप टीचिंग करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। टीचिंग के सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाएगा। फिर आता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस, विच इज़ जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारी चीज़ें, मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आप लोग यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, एज वेल एज रिसर्च के एथिक्स। एक आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, जिसको आप पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि बेसिकली आपको एक पैराग्राफ मिलता है, वो पैराग्राफ कहीं से भी उठा के दिया जा सकता है। बेसिकली जो सोर्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं अभी वो रहे और डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, वहाँ से आप लोगों के अभी पैराग्राफ्स आ रहे हैं। सो एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग सभी लोगों ने 10th तक ये एक्सरसाइज करी है, सो इट्स नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, देन आता है आपका कम्युनिकेशन, मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लास एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के बीच में जो जो बाधाएं आ जाती हैं वो आ जाएगा, मास मीडिया एंड सोसाइटी। देन आपका यूनिट नंबर 5 विच सेज अबाउट मैथमेटिकल रीजनिंग, किसमें रीजनिंग के टाइप, ठीक है, आपके नंबर सीरीज, आपका लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप, ये सारे पूछ जाते हैं, फ्रैक्शंस आ जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस आपसे पूछ जाता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एवरेज, इन सब के क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल रीजनिंग में आ गए। लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, जिसमें आपके मूड्स एंड फिगर्स, ठीक है, आपकी एनालॉजीज, आपकी इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ओके, वेन डायग्राम्स के बेसिक पे, इंडियन लॉजिक, जिससे क्वेश्चन 2 या 3 तो आ ही रहे हैं, इंडियन लॉजिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं आपकी लॉजिकल रीजनिंग में। देख, देन आता है आपका डीआई का पार्ट, जिसको आप डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, एक आपको कुछ ना कुछ या तो बार चार्ट दे दिया जाएगा या फिर कोई ना कोई आपको डेटा दिया जाएगा, किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, टेबल की फॉर्म में दिया जा सकता है, ग्राफ की फॉर्म में दिया जा सकता है, राइट। उसके बेसिस पे आपको बेसिकली 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, बार चार्ट हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, टेबल चार्ट हो सकता है, लाइन चार्ट हो सकता है, इनके बेसिस पे, ठीक है। सो ये सारे आपको प्रैक्टिस करना है। देन आ जाता है आपका आईसीटी।
आईसीटी में जनरल एब्रीविएशन जैसे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आ गए कि यार यूआरएल की फुल फॉर्म है क्या, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन दी हायर एजुकेशन, की गवर्नमेंट कौन कौन से कदम उठा रही है हायर एजुकेशन को बढ़िया बनाने के लिए इन दी आईसीटी का ध्यान में रख के, राइट, जैसे स्वयं आपका हो गया, राइट, आईसीटी एंड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ आ गई। देन पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ऐसा काफ़ी बड़ा सारा सिलेबस है, ठीक है, थोड़ा बड़ा भी है लेकिन ईजी है, राइट। सो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आ गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, आप लोगों की कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, सो वो सारी चीज़ें, एनवायरमेंट के इश्यूज़, पोल्यूशन जैसे हो गया, कौन कौन से टाइप के पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या आपके इम्पैक्ट हो रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, एयर पोल्यूशन, अगर मैंने वो एयर इनहेल कर ली, अगर मैं उसमें सांस ले रही हूँ तो मुझे क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तो सारी चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। अलग अलग तरह के ये एनर्जी, सोलर, विल्ड, सॉइल, हाइड्रो, ये सारे चीज़ों के बारे में, नेचुरल डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, आपका NAPCC जो कि आपका नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज के लिए, हम क्या कर रहे हैं, हमारा इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, और भी बहुत सारे, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ दी योर हायर एजुकेशन सिस्टम, कि यार हायर एजुकेशन आपके एंशंट इंडिया में कैसी थी, ठीक है, पुराने जमाने में कैसा हायर एजुकेशन चल रहा था, मिडिल में कैसी थी, अभी मॉडर्न इंडिया में क्या है, क्या क्या चीज़ हमने करी पोस्ट इंडिपेंडेंस, 1947 के बाद में जैसे हमने आज़ादी पाली, हमने कौन कौन से बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए इन ऑर्डर फॉर दी टू मेक आर हायर एजुकेशन सिस्टम इफेक्टिव, ठीक है, प्रोफेशनल एंड टीचिंग एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, इन सब के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब पे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। सो ये आपका डिटेल सिलेबस डिस्कशन गया है मैंने आपके पेपर वन का। सो पेपर वन का जो पेपर है उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, हर एक क्वेश्चन कैरी करता है एग्जैक्टली 2 मार्क्स, मतलब 100 नंबर का आपका पेपर वन होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 के आसपास आप लोगों को बेसिकली टारगेट करना है, ठीक है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमारे इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से, फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करके। सो आपसे आशा करते हैं कि आप सभी हमारे लेक्चर्स में जुड़ेंगे और अपना जेआरएफ हासिल करेंगे। थैंक यू।